मैं तो अभी बेड को देख के डर गई, मुझे ऐसे घूर रहा था कि जैसे कि मुझे अभी मारेगा, मैं तो डर गई। अभी देखो इतने सारे, उस घर से ऊपर को जाना है, ऊपर ये इधर वाले घर में कुत्ता इस साइड में, वहाँ भी नहीं है उस वाले थोड़ा बारे बुबू अभी यहीं के हो। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है, मैं हूँ सरला नेबेल ब्लॉग रंगशिया और आज मैं जा रही हूँ लुरकोट गांव, और ये गांव हमारे धारचूला के अंदर ही पड़ता है। यहाँ पे सड़क भी जाती है और हम लोग पैदल मार्ग से ही पहुँच सकते हैं, बट मैं आज पैदल जा रही हूँ। और हमारे धारचूला से ये लुरकोट गांव पैदल हम लोग 1.5 घंटे में पहुँच सकते हैं, और गाड़ी में तो शायद मुझे पता भी नहीं है कि कितने घंटे में पहुँचते हैं, क्योंकि मैं पहली बार जा रही हूँ ये लुरकोट गांव। और सामने से जो रास्ता मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये रोड लुरकोट गांव तक जाती है, ये सड़क मार्ग है। और जिस रास्ते से मैं भी गुजर रही हूँ, ये रास्ता सड़क मार्ग से होते हुए आदि कैलाश और बड़ा कैलाश तक पहुँचती है। बाप रे, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है आज, पूरे चेहरे पे डस्ट डस्ट हो गया आज मेरे, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा डस्ट जम गई मेरे चेहरे पे। देखिए आप लोग, सड़क पे पूरा डस्टी डस्ट है, क्योंकि आज रोड कटिंग का काम चल रहा है ना, तभी चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, चाहे पैदल चले या गाड़ी से, रोड कटिंग की वजह से बहुत दिक्कत होती है गाइस। बहुत ज़ोर की हवा चल रही है, जैसे मैं आगे को कदम रख रही हूँ, हवा मुझे पीछे की तरफ धकेल रही है। और ये वही रास्ता है जहाँ से मैं लुरकोट गांव तक पहुँचूँगी, पैदल ही पैदल जाना है मुझे आगे की तरफ, पूरा जंगल ही जंगल है। हमारे पहाड़ों की यही तो खूबी है, जितनी ऊंचाई पे पहुँचते हम लोग हवाएं उतनी चलती हैं, बहुत जोर की हवा चल रही है। जोरों की हवा चल रही है, आवाज कितनी जोरों की आ रही है हवा की। मैं इतनी ऊंचाई पे पहुंची हूँ अभी, अब पता नहीं कब पहुंचूंगी मैं लुरकोट गांव, क्योंकि मैं अभी पहली बार जा रही हूँ। यहाँ से दिखाई दे रहा है हमारा धारचूला, आज मुझे लगता है मैं लुरकोट गांव पहुंच चुकी हूँ। एक दो घंटे दिखाई दे रहे हैं, देखो इसे आगे जाना पड़ता है कि नहीं से वापस जाए, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है और मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। मुझे से बोला थोड़ा सा मुझे पानी दे दो, पानी वानी पी लेती हूँ। लग रहा है आज मैं लुरकोट गांव की हवा खाने आई हूँ, इतनी जोर की हवा चल रही है। जब से मैं रास्ते से निकली हूँ लुरकोट गांव पहुँचते मतलब पहुँचने वाली हूँ, बाप रे हवा ने तो आज मेरी हालत ख़राब कर दी है। मेरे बाल के हाल देखो कैसे हो गए हवा की वजह से। हाँ बाबू, ये लुरकोट गांव है? हाँ लुरकोट गांव है। अच्छा, यहाँ तो बहुत हवा चलती रही। हाँ फिर बाप रे, धारचूला से आते आते मुझे बहुत ज्यादा इतनी देखो हवा, लुरकोट गांव में तो पपीता ही पपीता नजर आ रहे हैं। मैं लुरकोट गांव पहुँच गई। खाना खा लिया? खाना तो नहीं खाया अभी, खा लो फिर। लुरकोट गांव को हवा ले तंदरो यस्तो बनायो के बनुआ मधमा, बहुत हवा चलती थी ना यहाँ पे, तो यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है ना हमारे गांव। ऑक्सीजन ज्यादा है सकती, धारचूला में ऑक्सीजन नहीं है क्या? ऊंचाई में हुआ तो बहुत ज्यादा हवा चलनी है। अभी मैं लुरकोट गांव पहुंच चुकी हूँ, मुझे यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, सब कह रहे हैं बैठो बैठो बैठो,
और कह पूछ रहे खाना वाना खा लिया कि नहीं, यहाँ ही पूछ रहे मुझे खाने के लिए। लुटकोट गांव में भी लोग बहुत अच्छे हैं। आमा है लुटकोट गांव की। आमा मेरे लिए खाना लेके आई है। जैसे हम दूर से थक हार के आते तो कोई खाना खिलाया तो अच्छा लगता है ना अम्मा। हमारे बेटे लोग गए वैसे तो जी, आपके बेटे लोग कहाँ पे है? हमारे बेटे लोग कोई पहुँच में है, लड़की की शादी हो गई है। तो कितनी अच्छी है अम्मा, बिहार की बहुत अच्छी है। ठीक है अम्मा, कड़ी बनाया आपने, जल्दी जल्दी खाना खा लेती हूँ और इससे आगे भी काम नहीं बता रहे, वहाँ पहुँच के आती मैं। अभी मुझे ऊपर लुटकोट गाँव जाना है दोबारा से, वहाँ उस घर से ऊपर को जाना है, ऊपर ये इधर वाले घर में कुत्ता इस साइड में, वहाँ भी नहीं है उस वाले बगल वाले। यहाँ से मुझे ऊपर वाले लुटकोट गांव भी जाना था, पर भैया ने बता दिया कि वहाँ एक बहुत ही बड़ा कुत्ता है, काटता है, तो मैंने वहाँ जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। और काटेगा तो बेकार में लेने का देना पड़ेगा, मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि एक बार मुझे मंकी ने काटा था, तब से मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने ऊपर वाले लुटकोट गांव में जाना कैंसिल कर दिया। अभी अम्मा के साथ मैं कहाँ जा रही हूँ अम्मा? उधर अम्मा बता रही थी जंगल में बकरी छोड़ रखे है, वहाँ बकरी चराने जाती हूँ। तो मैंने भी बोला चलो मैं आपके साथ चलती हूँ जंगल में। तो अभी मैं अम्मा के साथ जा रही हूँ, अम्मा सामने से जा रही हैं, मैं अम्मा के पीछे पीछे देखती हूँ बकरी चराने में कैसी फीलिंग आती है। अम्मा बोली पीछे से पत्थर आ रहा है, यहाँ दौड़ना चाहिए, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, पता नहीं चल रहा है कहाँ से आता अम्मा पत्थर यहाँ। बकरी ऐसे क्यों छोड़ते हैं अभी बकरी को, वो तो पत्थर गिराएगा ही ना। अच्छा साथ में, अच्छा आप कहीं है? हम पहुंच गए हैं जहाँ पे अम्मा की बकरियाँ है। अच्छा आप लोग का जंगल है ये? जंगल है, अभी इन बकरियों को नीचे लगाना है। हाँ नीचे खेतने लगाना, नीचे डालना। यहाँ तो सब बकरी चराने वाले ही है अम्मा। नीचे लगाना है, नीचे लगाना है वो खेत में, 4 बजे लेना इनको घर, घास खाएंगे खाएंगे फिर ले जाना ना। बुबू आप भी यहीं के हो? आपके बकरी कहाँ है फिर? ये जो है। अच्छा वही है बकरी आपके? सबके है ये, सबके हैं, मिल के लगाया है साथ में। पूरे कितने बकरी होंगे आपके यहाँ दोनों मिला के? 12-13। 12-13 बेच रहे हैं कि क्या करना है? अच्छा हाल ही खरीदा है। बकरी को लेके रोज ही आते हैं आप लोग यहाँ? नीचे चढ़ते हैं। अच्छा नीचे भी चढ़ते हैं? हाँ यहाँ तो घास वास तो बहुत ज्यादा है ना अम्मा। ए अम्मा गई बकरी, अम्मा अपनी बकरियों को बुला रही है, देख रहे मुझे अम्मा तो मुझे डर लग रहा है। मैं तो अभी भेड़ को देख के डर गई, मुझे ऐसे घूर रहा था कि जैसे कि मुझे अभी मारेगा, मैं तो डर गई। अभी देखो इतने सारे, मेरे को भी डर लगती है। हाँ मैं भी डर गई अभी, ऐसे नहीं देखा था मुझे। मिनी बाती वही बात है, मैं तो डर गई बहुत ज्यादा, मैंने कहा मुझे मारते है भेड़, मुँह घूर के देख रहा मुझे एक भेड़। ये आ गया सामने से भेड़। हम लोग अम्मा के साथ बकरा चरा के घर वापस आ गए। ए आ जा 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 अभी हम लोग अम्मा के खेत में जा रहे हैं। लुटकोट गांव में पपीता और ये कितने ज़्यादा होते हैं ना, बहुत ज़्यादा, तो अम्मा ने बोला लेके जाना। खेत पे जा रहे हैं हम लोग, कहाँ है खेत अम्मा? ये है अम्मा का खेत। ये रहा अम्मा का
ईक का पेड़। मैं टुकड़े करके ले जाऊंगी ऐसी ना। वो पपीता दे लो। अब जा रहे पपीता तोड़ने। मूली भी ले जा रही हो क्या? है मूली ये इतना मोटा? बहुत मोटे मोटे है मूली आपके ना? आपके तो बहुत ज्यादा खेत है अम्मा। ये धनिया है, धनिया वो रखे है। हो गया दो बहुत है। ये पानी खींचता ये अम्मा। ये बिच्छू घास का साग खाते हैं ना? आप लूली खाते हो? नहीं तो हम यहाँ तो उसका साग खाते हैं। हम तो नहीं खाते। नहीं खाते आप लोग? कच्चा भी अच्छे लगता है अम्मा। चलो फिर अम्मा मैं चलती हूँ। अब सिर्फ अपने मेले में आना घूमने। यहाँ जरूर आना। चलते हैं। हाँ अम्मा नमस्ते। हाँ हमरो बस है जाने ना। क्या लुरकोट गांव से इतना सामान लेके जा रही हूँ मैं। चलो फिर अम्मा चलती हूँ। बाय बाय। बाय बाय। ठीक है। हवा तो ज्यादा ही चल रहा है ना? अभी शाम के 4 बजने जा रहे हैं। अभी मैं लुरकोट गांव में ही हूँ गाइस। बहुत ही ज्यादा मौसम खराब लग रहा है। हो सकता है बारिश आ जाए। वैसे तो हल्की बूंदाबांदी हो ही रही है। अब मुझे चलना चाहिए। देखिए बहुत ही ज्यादा मौसम खराब लग रहा है। जब दिन में आई थी तो मौसम ठीक ही था, अचानक से मौसम खराब हो गया है। और यहाँ पे हवा इतनी जोरों की चल रही है ना। लुरकोट गांव में बहुत हवा चलती है। मुझे लगता है रास्ते में बारिश आ जाएगी। आज ना तो मैं छतरी लाई हूँ ना कुछ लाई हूँ अपने लिए, क्योंकि मैं जब दिन में आई थी मौसम बिल्कुल साफ था। देखते हैं क्या होता है। चलते रहती हूँ अपने रास्ते पे। बारिश आएगी तो देखी जाएगी। फिलहाल तो मैं सड़क पे पहुँच चुकी हूँ। बारिश तो आ ही गई है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मुझे लगता है आगे चलूँगी तो बहुत तेज़ हो जाएगी बारिश, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गई हूँ। बारिश आ गई है, थोड़ा सा मैंने सेफ्टी जगह ढूंढ लिया और यहाँ पे मैं बारिश रुकने का वेट करूँगी। बाप रे बादल बहुत गरज रहे हैं। यहीं पे रुक जाती हूँ अभी मैं। बारिश रुक गई है, अब मुझे चलना चाहिए वरना बहुत ज़ोरों की बारिश आ सकती है। और यहाँ पे ठहरने के लिए भी ऐसी कोई जगह नहीं है। फाइनली मैं धारचूला पहुँच गई हूँ और अभी सड़क पे बैठी हूँ मैं, क्योंकि मैं जब गई थी पैदल गई थी। और अभी मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे बाइक लेके यहाँ लेने आ जाओ, क्योंकि मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा है। लुरकोट गांव से अम्मा ने मिले पपीता, ईकू, मूली, धनिया, पता नहीं क्या क्या बेच रखा है। इससे मैं ऐसे नहीं जा सकती, तो अभी मेरे हस्बैंड आएंगे तब मैं घर जाऊंगी। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सरला नबियाल ब्लॉग संग से आप लोगों से जल्दी अपने न्यू ब्लॉग पर मिलूँगी। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय।